ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस मैं आपको एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करनी है वाली फोटो, तो गाइस आप लोग कोई भी पार्ट मिस मत करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आप लोगों को चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहाँ पे जो मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले सीरीज करा था, तो आप लोग भी पहले सीरीज करके रख लेना। एंड उसके बाद जो आप सभी को यहाँ पे अपना मॉडल का साइज जो है कुछ इतना रखना है, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में गाइस क्यों जाना है, क्योंकि गाइस आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि गाइस आपको ध्यान रखनी है। इरेजर टूल में जाना है आपको, यहाँ पे इरेजर टूल में जो गाइस आपको पीछे जो वाइट दिख रही है उसका जो इफेक्ट आपको अपनी फोटो के ऊपर डालना, यानी कि एक लाइट टाइप की क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेंगे हम इरेजर की। एंड उसके बाद जो हम यहाँ से इस तरीके से इरेज करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे गाइस मतलब कि आपकी बॉडी मतलब जहाँ जहाँ से मतलब आपकी लाइट आनी चाहिए, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से आ सकती है, तो उस टाइप से आपको ऐसे इरेज करनी है, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ। अब गाइस इसमें क्या होगा कि आपको अगर कोई पीएनजी वगैरह लगाओगे तो गाइस क्या होता है ना, कहीं जगह लाइट कम हो जाती है, कहीं जगह ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या है लग ही पता चल जाता है कि आपने कुछ लगाया है, ठीक है। बट इस तरीके से आप करोगे तो गाइस इसमें जो है ज़्यादा कुछ मतलब कि पता नहीं चल रहा, मतलब ज़्यादा क्या बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इतनी फोटो हमारी अच्छी लग रही है, तो अभी इसको हम करते हैं डन। अब गाइस यहाँ पे आपको ऐड फोटो में जाना है एक बार और, क्योंकि यहाँ से हम ऐड करेंगे एक पीएनजी जो कि होगा गाइस लाइट का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करेंगे इस पीएनजी को। एंड इसको ऐड कर देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में एंड इसको कर देंगे स्क्रीन। एंड इसके बाद गाइस हम इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड इसकी ओपेसिटी जो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी आप सभी को गाइस मुझे पता है, तो इसके लिए हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी यहाँ पे कम कर लेंगे, अराउंड रख लेंगे 75 तक, देन कर लेंगे डन। अब गाइस यहाँ पे हमारा जितना भी काम था हमारा हो चुका है पिक्सार्ट का, तो अभी हम इसको सेव करते हैं। एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे। एंड गाइस फोटो को यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है, तो हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। फिर इसका दिखाएंगे इसका हम कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज, हाईलाइट को करेंगे यहाँ पे कम। एंड इसके बाद जहाँ पे शेडो है इसको भी यहाँ पे हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे। एंड इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से नीचे जो वाइट है इसको ब्लैक है जो इसको कम करेंगे, जो वाइट है इसको भी कम कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे हम यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद हम यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे, बाकी मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम लेंगे येलो कलर, जैसे कि येलो कलर है नहीं फोटो में, तो हम यहाँ पे जो है बाकी ग्रीन का माइनस करते हैं सैचुरेशन। एंड इसका जो ब्लू है डार्क ब्लू इसका हम हल्का सा कर लेंगे, ताकि जो कपड़े हमारे थोड़े डार्क हो जाए। फिर उसके बाद नीचे वाले टूल में जाएंगे, क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे एंड फोटो में डाल देंगे विगनेट हल्की सी। दैन नीचे स्क्रॉल करेंगे, ग्रेन अमाउंट बढ़ा देंगे। फिर इसके नीचे टूल में जाएंगे, शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड नोट डायरेक्शन बढ़ा देंगे। एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोट डायरेक्शन, हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो चलिए गाइस मिलता हूँ उससे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।